नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। तो कल हमने फ्लूएड देखा था कि बांसुरी में कैसे वो लेंथ के वेरिएशन से आवाज का वेरिएशन होता है। आज एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको सोप्रानो या फिर शहनाई आप कह सकते हैं, है ना। अच्छा, फ्लूट और सोप्रानो में खास डिफरेंस क्या है? फ्लूट तो मतलब आपको अगर लेंथ चेंज करनी है तो आपको अलग फ्लूएड लेना पड़ेगा, या फिर इस तरीके के जो छेद हैं उस पर आपको उंगलियां बजानी पड़ेंगी। ये जो सोप्रानो है या शहनाई है, ये डिस्मेंटल हो जाती है, मतलब ये तीन टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो पहला टुकड़ा आप निकाल देंगे तो लेंथ बदल गई, जब ये लगा हुआ है तो लंबाई इतनी है, लेकिन जब इसको निकाल दिया तो अब लंबाई कम हो गई है इतनी। और फिर इसको भी हम निकाल सकते हैं तो बजाते बजाते हम अलग अलग लेंथ ले सकते हैं, और उससे आवाज में डिफरेंस प्रोड्यूस हो सकता है। और फिर उसके अलावा इन पे तो हम उंगलियां रख के और खोल के बंद करके तो आवाज में जो डिफरेंस है वो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। तो पहले इन्हीं से देख लेते हैं और फिर लेंथ को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो है ही कि हम उंगलियों को चेंज कर रहे हैं और लेंथ हवा का जो अंदर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन अब बजाते बजाते इसको हटाते भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि आवाज पतली होती चली जा रही है क्योंकि लेंथ जो है वो कम होती चली जा रही है। तो पिच, फ्रिक्वेंसी, लेंथ, इसका आप बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों के साथ, सिर्फ एक शहनाई या इस प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ।